subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Namaskar friends, welcome to this joint briefing by the Ministry of Health and the Ministry of External Affairs to update more on the latest situation on COVID and to provide the details of the international aid being received in the country. We have today Dr. V.K. Paulji from Niti Aayog, Principal Scientific Advisor, Professor Vijay Raghavanji, Additional Secretary Health, Ms. Aarti Ahuja Ji, Additional Secretary Ministry of External Affairs, Sri Damodavi Ji. The press conference shall be conducted as follows. First, there will be opening remarks and presentation by Ms. Aarti Ahuja, followed by comments from Sri Damodavi Ji. Afterwards, Principal Scientific Advisor will give his comments, followed by remarks by Dr. V.K. Paulji. Then we shall take a few questions. Over to Ms. Aarti Ahuja. Thank you. I'll now give a brief overview of the COVID-19 situation in the country. So if we see the snapshot today, we have... Yes, we have 16.96% which are active cases as of today, and almost 82% cases have recovered, and we have had 1.09% deaths, which is also the case fatality rate. This is the trajectory of the cases so far. Yesterday we had fresh new cases to the magnitude of 4,14,188. और हम देख रहे हैं कि लगभग 18 लाख टेस्ट 18,26,490 टेस्ट कल किए गए. केस ग्रोथ रेट भी लगभग 1-2% से कम ही बना है. यदि हम पूरे देश का एक चित्र देखें तो हम देखते हैं राज्यों में कि जिन राज्यों में एक्टिव केसेस 50,000 से कम हैं, 50,000 से 1 लाख के बीच हैं और एक्टिव केसेस 1 लाख से ज्यादा हैं, उनकी यहाँ मैपिंग की गई है. तो जहां पर 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं वैसे 12 राज्य हैं, जहां 50,000 से 1 लाख के बीच के एक्टिव केसेस हैं वैसे 7 राज्य हैं, और जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं वैसे 17 राज्य हैं. यदि हम राज्य देखें जहां पर की केस लोड ज्यादा है, वो राज्य 7 वाली टेबल पे हैं और क्रमतावश वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और बिहार. केस पॉजिटिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कि बताता है कि हमारे कितनी मात्रा में केसेस हैं और किस प्रकार से वो फैले हुए हैं. तो यदि हम केस पॉजिटिविटी लेस देन 5% देखें तो ऐसी 3 राज्यों या यूटीज में है, 5 से 15% पॉजिटिविटी 9 राज्यों में है और 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी 24 राज्यों में है. वो कौन से राज्य हैं ये हम देख सकते हैं कि जैसे गोवा में लगभग 48% है, हरियाणा में 30 से ज्यादा है, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, सिक्किम, इस प्रकार उड़ीसा. सो इस प्रकार से इन राज्यों में पॉजिटिविटी हम देखते हैं कि काफ़ी हाई है, जो कि एक चिंता का विषय है हमारे लिए और पूरे देश के लिए. अभी अगर हम थोड़े ग्रैनुलर लेवल पे देखें और स्टेट वाइज देखें कि ट्रेंड क्या है, अभी तक मैंने जो आपको दिखाया वो एक स्नैपशॉट था आज की तारीख में क्या स्थिति है, लेकिन किस तरह से स्थिति बदल रही है वो जानने के लिए हम ट्रेंड देखते हैं और वो देखना जरूरी भी है. तो यदि हम देखें तो ये जो स्टेट्स इस स्लाइड में है वो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की केसेस बढ़ रहे थे लेकिन अब धीरे धीरे प्लेटो हो रहे हैं. ये राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एवं झारखंड. तो आप देखेंगे इन सब में जो 7-day मूविंग एवरेज है जो केसेस का, जो कि एवरेज आउट कर देता है, डे टू डे वेरिएशन को एवरेज आउट कर देता है. तो यदि हम 7-day मूविंग एवरेज देखते हैं
तो इन सब राज्यों में केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और इसके बाद अब प्लैटो हो रहा है और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार का ये जो प्लैटो है मेंटेन होके और धीरे धीरे कम भी हो जाए। ये जो दूसरा स्लाइड है इसमें भी वही स्टेट्स हैं जहां पे या तो प्लैटो हो रहा है, एक एक लेवल पे आ गए हैं, या फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। गोवा में केसेस बहुत रैपिडली बढ़े लेकिन अब थोड़े से कम हुए हैं। उसी प्रकार चंडीगढ़, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप में एवं अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह में, तो या इन सब राज्यों में केसेस बढ़ रहे थे लेकिन अब स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं उनके द्वारा तो केसेस थोड़े कम हुए हैं। लेकिन पूरे देश का एक प्रकार सा चित्र नहीं है। देर आर मेनी स्टेट्स वेयर वी ऑल्सो हैव एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डेली न्यू केसेस विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द एब्सोल्यूट नंबर्स फॉर द कंट्री। सो वेन वी सी स्टेट्स वेयर द ट्रेंड इज गोइंग अपवर्ड्स, दो स्टेट्स आर कर्नाटका, केरला वी कैन सी अगेन केसेज हैव गॉन अप, तमिलनाडु अगेन केसेज हैव गॉन अप, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड सिमिलरली द अदर स्टेट्स विद इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डेली न्यू केसेज आर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, केसेज आर गोइंग अप, पुडुचेरी एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड द केसेज आर गोइंग अप एंड वी आर सीइंग एन इंक्रीज ट्रेजेक्ट्री विच इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न एंड विच हैज ऑल्सो बीन हाईलाइटेड थ्रू वेरियस मीन्स विद द स्टेट्स। केसेस कम हो रहे हो और कुछ ऐसे जिले हों जहां की केसेस बढ़ रहे हों, इसलिए एक जिला स्तर पर भी एक एनालिसिस करना जरूरी होता है क्योंकि उससे हमें एविडेंस मिलता है किस प्रकार की स्थिति है वहां पर। तो जब हम देखते हैं कि पिछले दो हफ्तों में वो कौन से जिले हैं जहां पर डिक्लाइन इन केसेस हुआ है एक्चुअली, तो वो मध्य प्रदेश के जबलपुर है जहां की लगभग 5600 से 5400 हो गए, विदिशा जहां पर 1700 से 1400 हो गए, अनूपपुर जहां से 1300 से लेके अब 1100 हैं, कटनी 1600 से लेके अब 1000 के करीब हैं, बालाघाट जहां पर लगभग 1000 थे और अब 800 के करीब हैं, सियोनी जहां 1000 थे और अब 780 के करीब हैं, भरवानी जहां भी 1000 थे और अब 700 के करीब हैं, शाजापुर में भी 1000 के करीब थे और अब 410 के करीब हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र में जो हम प्लेटो देखते हैं पूरे स्टेट में जो आया है उसमें यदि हम देखें तो ऐसे जिले हैं विच आर ड्राइविंग दिस ट्रेंड डाउनवर्ड्स। फॉर एग्जांपल इन नाशिक वी हैड 38,000 केसेस विच आर नाउ 25,000 केसेस, थाने अगेन 35,000 हैज कम डाउन टू 20,000, मुंबई हैज हैड अ वेरी स्टीप डिक्लाइन ऑफ 48,000 टू 10,000 नाउ, लातूर 11,000 टू 7,000, सिमिलरली औरंगाबाद, जलगांव, भंडारा, नांदेड अगेन फ्रॉम 9,000 टू 3,900, भागल और तो महाराष्ट्र में ये सब जिले हैं। बिहार में हम देखते हैं कि बाय एंड लार्ज इंक्रीजिंग ट्रेंड है लेकिन भागलपुर जिले में प्लैटोइंग है या फिर थोड़े केसेस कम हो रहे हैं। उसी प्रकार झारखंड में भी स्टेट में जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा प्लैटो है या केसेस कभी ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन ये दो जिले हैं साहेबगंज और पाकुर जहां पे की केसेस कम हो गए हैं। उसी प्रकार जब हम अन्य राज्यों में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में केसेस कम हुए हैं, 21,000 से लेके 8,000 हो गए हैं, दुर्ग में जहां की बहुत केसेस बढ़ गए थे 12,000 से 7,000 हो गए हैं और राजनांदगांव में 6,000 से 4,000 के लगभग हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो बड़े जिले हैं उनमें इन्हीं तीन जिलों में काफी केसेस थे, अब कम हो रहे हैं, लखनऊ में 40,000 के करीब केसेस थे और अब 23,000 हो गए,
वाराणसी में 14,000 थे जो अब 9,000 हो गए, प्रयागराज में 12,000 थे जो अब 6,000 के करीब हो गए हैं। राजस्थान में भी प्लेटो हो रहा है पूरे राज्य में, और कोटा में हम देखते हैं जिस प्रकार 7,000 केसेस थे और अब 4,000 हो गए हैं। गुजरात में भी वही है, प्लेटो हो रहा है ऑल ओवर द स्टेट, एंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स हैव शोन अ स्टीपर डिक्लाइन। भरूच फ्रॉम 1100 टू 700 एंड बोटार फ्रॉम 232 टू 137, दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स हैव हैड अ स्टीप डिक्लाइन। हाउएवर, जहां की जैसा मैंने बताया दैट एवरेज इज एन एवरेज, उसमें इस तरफ भी हो सकता है और उस तरफ भी हो सकता है, तो वो कौन से जिले हैं हमारे देश में जहां पर कि पिछले 2 सप्ताह से केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? तो बेंगलुरु अर्बन कर्नाटका में, वहां पे केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, 81,000 से लगभग 1.5 लाख केसेस। चेन्नई में 22,000 से बढ़ गए हैं। कोझिकोड केरला में भी उसी गति से बढ़े हैं। हमारे पड़ोस में गुरुग्राम हरियाणा में केसेस बहुत बढ़ गए हैं। एर्नाकुलम केरला में, त्रिशूर में केरला में, मलापुरम केरला में, थिरुवनंतपुरम केरला में, पटना में, 24 परगना वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, कोटेयम में केरला में, कर्नाटका में मैसूर, केरला में अलापुजा और आंध्रा में चित्तूर। आप इन सब राज्यों में देखेंगे तो इन सब जिलों में काफी स्टीप अपवर्ड ट्रेंड आप देख सकते हैं कि वीक ऑन वीक केसेस काफी बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार कुछ अन्य जिले ऐसे हैं अन्य राज्यों में भी जहां की हम पिछले 2 सप्ताह से एक इंक्रीज देख रहे हैं। देहरादून में 7,000 से लेके आज हम 16,000 केसेस देख रहे हैं। पालक्काड केरला में, सतारा में महाराष्ट्र में, ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में, शोलापुर महाराष्ट्र में, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में, कोल्लम केरला में आप देख रहे हैं 4,000 से 14,000, लगभग 3 गुना। सो लगभग सभी इन जिलों में केसेस इस प्रकार की तेज गति से बढ़ रहे हैं। विशाखापट्टनम में 4,000 से 13,000, कन्नूर केरला में 7,000 से 13,000 हो गए हैं, टुमकुर कर्नाटका में 4,000 से 12,000, कुरनूल आंध्र प्रदेश में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, और हरियाणा में फरीदाबाद में, उड़ीसा में खुर्दा में जो कि कैपिटल भी है, यहाँ इन सब जगहों में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको वैक्सीनेशन कवरेज के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। आप जानते हैं कि हमारे जो कैटेगरीज हैं, सो लेट मी टेक दोज कैटेगरीज वन बाय वन। सो फॉर पीपल एज्ड मोर देन 45 इयर्स, नियरली 10.76 करोड़ पीपल हैव बीन गिवन द फर्स्ट डोज एंड 1.90 करोड़ डोजेस हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। सो द टोटल डोजेस दैट हैव बीन एडमिनिस्टर्ड आर 12.66 करोड़। Similarly, for healthcare workers and frontline workers were the first category that was opened up. Among the healthcare workers, 0.95 crore doses have been administered for the first dose, and 0.64 crore doses have been given as the second dose, making a total of 1.59 crore doses. Similarly, for the frontline workers, 1.38 crore doses as the first dose and 0.75 crore doses as the second dose, making a total of 2.13 crore doses overall. People aged 18 to 44 years, jo ki abhi recently khola gaya, already 11.81 lakh logon ko first dose di ja chuki hai. To is prakar sab mila ke abhi tak hamare desh ne 16.50 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर कर दी हैं। पिछले कुछ दिनों में जो जो प्रयत्न किए गए कोविड 19 पैंडेमिक को डील करने के लिए, तो पिछले 2 दिनों में
यूनियन हेल्थ मिनिस्टर 8 स्टेट्स जो मैंने आपको दिखाए भी थे जहां पे की केस ट्रेजेक्ट्री बढ़ रही है, असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनके साथ एक दिन रिव्यू किया गया, काफी डिटेल्ड रिव्यू था, डॉक्टर पॉल भी थे उसमें, और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ भी डिटेल्ड रिव्यू किया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू किया गया, और उसमें फोकस ये था कि किस प्रकार कंटेनमेंट होना चाहिए, किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से वो बढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग मैन पावर, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और मेडिकल ऑक्सीजन की उनकी क्या स्थिति है, वेंटिलेटर्स और बाकी लॉजिस्टिक्स जो हैं, और वैक्सीनेशन कवरेज, और एम्फेसिस यही था कि हमें सर्वेलेंस, हमारा जो पुराना जो साइंस हैज नॉट चेंज्ड ऑफ टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट, दैट रिमेन्स द सेम एंड कंटेनमेंट मेजर्स रिमेन द सेम, सो एम्फेसिस हैज टू कंटिन्यू ऑन दोज थिंग्स। MHA ने एक एडवाइजरी भी दी सभी स्टेट्स को कि सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, और हमें इंश्योर करना है सभी स्टेट्स को कि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जहां पे पावर आउटेज हो या फायर हो, ब्रेकआउट हो, इन सब चीज़ों के लिए हमें पूरा ध्यान देना है, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ इसके लिए करनी है। और PSA प्लांट जो प्रेशर स्विंग अब्सॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हैं, उसमें से जो 162 सैंक्शन हुए हैं उसमें से 71 ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं और 109 इस मई के एंड तक इंस्टॉल हो जाएंगे और बाकी जो हैं वो जून एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। इससे हमारी जो निर्भरता है ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन लाने की वो काफ़ी मात्रा में कम भी हो जाएगी। और टोटल ऑफ 1,1594 PSA प्लांट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड ऑल अक्रॉस द कंट्री। सो फ्रॉम द साइड ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री आई यूज दिस प्लेटफॉर्म दैट वी रिक्वेस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रायोरिटाइज द बेनिफिशरीज ऑफ द सेकेंड डोज and ensure the timely completion of the recommended vaccination schedule. Secondly, utilize the supplies of vaccines through the Government of India channel in the 70:30 ratio for the second dose and the first dose respectively. And do a regular review of the coverage of the vaccination drive and formulate and implement a strategy for this prioritization. So, wo sab ek apna action plan or strategy बनाए, और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए जो कि जो फुल 2 डोजेस जो देने हैं जो प्रायोरिटी बेनिफिशियरी ग्रुप्स को, उसके लिए भी वो अपना ध्यान दें। तो ये COVID-19 सिचुएशन के बारे में था। अब मैं आपको जो फॉरेन एड आ रही है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जो हमारे राज्य हैं जो कि भारत को इस समय COVID-19 से डील करने के लिए सहायता कर रहे हैं, तो उसका क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगी। तो अभी सिस्टम्स क्या सेटअप हुए हैं, तो वर्तमान में फॉरेन कंट्रीज जो भी एड देते हैं वो MEA के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा आती है। मेरे सहयोगी हैं विदेश मंत्रालय से, वो इसके बाद आपको बताएंगे डिटेल में। इसके अतिरिक्त प्राइवेट एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं या वहाँ के नागरिक हैं जो बाहर हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि भारत को इस समय कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो उनका जो मैकेनिज्म है वो नीति आयोग और MEA के द्वारा ही होता है। हमारे जो मिशन्स हैं बाहर वो उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो इस संदर्भ में 26 अप्रैल को एक कोऑर्डिनेशन सेल सेटअप हुआ हेल्थ मिनिस्ट्री में और 28 अप्रैल को प्रोसेस फ्लो डेलिनिएट हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के विषय में आपको कुछ बताना चाहूंगी कि ये जो कोऑर्डिनेशन सेल जो है हेल्थ मिनिस्ट्री में, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी हैं और साथ में हमें कुछ जॉइंट सेक्रेटरीज भारत सरकार ने अन्य मंत्रालयों से भी दिए हैं जो कि बहुत काम आ रहे हैं। वे लोग हैं 2 सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम MEA, मिस्टर दामू रवि इज वन ऑफ दोस,
वी हैव द चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स हु इज अ पार्ट ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन सेल. वी हैव द इकोनॉमिक एडवाइजर एंड अदर वेरी सीनियर ऑफिसर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. वी हैव द टेक्निकल एडवाइजर फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. We have representatives of HLL and we have the Secretary General of the Indian Red Cross along with other representatives. So what we do is we meet every morning virtually at a fixed time where we go over the details of all the logistics arrangements, what are the expected arrivals, what are the quantities, what are their technical specifications and what we need to do. There is also an oversight group that has been set up under CEO Niti Aayog and which has the Secretary Expenditure, Special Secretary MEA, a member Central Board of Indirect Taxes and Customs as members. We also meet every day and go over the issues, go over the progress made. The group of experts that I mentioned, jinka representation coordination cell mein hai, that is a group of experts. Unka kaam hai ki jo bhi technical specifications countries bhejte hain ki hum is prakar ke ventilator bhejenge, to wo technical specifications wo dekhte hain aur wo kehte hain ki haan ye Bharat mein upyog ho sakta hai, itne volt ki electricity hai to iska aise conversion karna hai ityadi, wo sab cheezein wo dekhte hain aur wo threshold requirements bhi प्रायोरिटाइज करते हैं और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी वो बताते हैं. तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इस पूरे प्रोसेस में? मैंने आपको बताया नीति आयोग जैसे हैं, उनका एक पोर्टल है प्राइवेट डोनेशंस के लिए. उसके अतिरिक्त वो सब चैनल होता है एमईए के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा. सो एमईए इज द नोडल एजेंसी फॉर चैनलिंग एनी ऑफर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, whether they come from private or from government sources. They are responsible for coordinating with the missions abroad, and MEA has also issued its own standard operating procedures. Hamari ministry ne bhi SOPs issue kiye the, health ministry ne, aur MEA ne bhi apne SOPs issue kiye hain which are applicable across board. इसके अतिरिक्त इंडियन कस्टम्स हैं. आप जानते हैं कि बहुत सारे कस्टम्स क्लियरेंसेज ऑलरेडी दिए गए हैं. So for the flights that are arriving, they expedite the custom clearances at the airports or ports or sea ports as the case may be. The Directorate General of Civil Aviation gives all the flight related approvals and they tie up the landing. There are some flights that also land at the Palam Airport, for example, the military aircraft. So doing all that tying up is done by DGCA. The Indian Red Cross Society is the single consignee for all things that are coming from abroad, and then they issue certificates based on the documents that are coming. And HLL is the custom clearing agent as well as transporter, and HLL is also assisted by the National Disaster Response Force and by DMA. The materials when they come, they are sent both by road and also by air. So to far flung areas, materials are being sent by air. I'll give you some more details later on. This is the standard operating procedure that we had devised early on for receiving donations or gifts from abroad. That is that missions on receipt of information on offers of donation or gifts from foreign governments forward them to EBM. And then missions communicate to the donors the priority list and the threshold items. And as I told you, consignee is to be IRCS. And MEA shares that with MOHFW through the coordination cell, which is, it is not paper transactions. It is daily meetings through which we sort out these issues. In fact, both of us spend quite a lot of time virtually as well as in person going over each detail. Missions also convey the details of flights carrying donations, and they also support advance flight clearances from the DGCA, the naval headquarters in case of ships, and air headquarters. However, that is one part of the story. There are also the recipient states and the recipient institutions. So the standard operating procedures also delineate the responsibilities of these recipient agencies. It is their responsibility to ensure seamless transition from transporters to the receiving agency, because we give to the state
द स्टेट देन कैन मेक इट्स ओन असेसमेंट एंड से आई वॉन्ट टू सेंड दिस नंबर ऑफ दिस इक्विपमेंट टू दिस प्लेस बिकॉज दैट इज माई असेसमेंट ऑफ माई लोकल सिचुएशन एंड नीड. सो दे हैव टू इंश्योर दिस सीमलेस ट्रांजिशन. दे हैव टू ऑल्सो इंश्योर दैट नेसेसरी अरेंजमेंट्स आर मेड, क्योंकि सामान आ गया तो उससे पहले जगह कहाँ पे वो रखा जाएगा, टेक्नीशियन कौन है जो उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे वगैरह वगैरह. दे हैव टू कीप दैट रेडी. कई चीजें होती हैं जैसे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, जिसके लिए के काफी प्रेपरेटरी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी इंस्टॉलेशन के लिए प्रेपरेटरी एक्टिविटीज वो करके रखें. और स्टेट्स जिन जिन इंस्टीट्यूशंस को फर्दर वो चीजें भेजें, दे हैव टू इंश्योर एंड टेल देम दैट दीज आर वेरी प्रेशियस नेशनल रिसोर्सेज ऑफ अदर कंट्रीज विच दे आर शेयरिंग विद अस. इट इज देयर सिटीजन्स हु हैव यू नो collected all that as a part of their sentiment and sharing to us, which we we need to understand and appreciate that. So all institutions must immediately receive the items, register them in the inventories, and also start utilizing them immediately. And we also expect that in case there is any delay which is intentional or any dereliction of this, then this should be viewed seriously. Now the allocation criteria, on what basis do we allocate? The picture there is of an infusion pump that is being used at Safdarjung, Delhi, which just came 4 days back. So what is the allocation criteria? That is that the accessibility and the immediate use of resources drives the need for immediate allocation of short notice incoming assignments, consignments. Now, if you see, the materials from abroad are currently coming in different numbers. They are all with different specifications and they come at different times. So, kabhi 74 ventilator of one kind from some country, kabhi oxygen cylinder 490 of one kind from another country, 250 of another kind from another country, to is prakar se aate hain. So there is a need to reconcile the distribution logistics with the need to reach the materials as quickly as possible to the states. Accordingly, abhi jo states hain, the priority list of states or UTs based on the current active status cases is drawn up. Along with other criteria, case fertility rate कहीं ज्यादा हो सकता है, कई जगहों पर रिसोर्स क्रंच वैसे ही है, वैसे स्टेट्स, ऐसे करके एक प्रायोरिटी लिस्ट ड्रॉप होती है. और हमारा ये मकसद रहता है कि our endeavor is that each consignment should not be spread thinly across all states. Rather, in order to optimize, the consignment should go to a few states first, the next consignment goes to the next states and so on, so that these things also reach quickly to those states. After all, these are emergency supplies. So this facilitates quicker turnaround times at airports and ensures a more streamlined transport. What you see here is a picture of remdesivir, which has gone in a cool carrier at 13 to 15 degrees centigrade, being received at AIIMS Mangalagiri, Andhra Pradesh. Remdesivir is also being lifted by air and sent to states. There were some stories or items in the media which seemed to presume that after consignment started coming on 27th and till the SOPs were brought out on 2nd, that nothing was being done. So I would like to appraise you of what all activities were happening. Maybe they were not in the public domain, but definitely these activities had started happening, as I already explained. So 27 April ko 235 item dispatch kiye gaye the, 28 ko 456, 29th ko 355. And when I say these items, it is not necessary that they only came from one country or it was only one item. They could be multiple items. They would have come from number of countries in number of flights at different times, but these were all dispatched. So right from 27th, every day
we have been allocating, we have been receiving. Allocations are done prior for receipt, all the arrangements are made, and then they are dispatched and delivered. So till now, if you look at the broad picture, approximately 11,000 items of more than 3,000 tons have been dispatched all over the country. NDRF has been an active partner for oxygen plants, and the Indian Navy and Indian Air Force, we are grateful to them. They have transported materials to all over the country. The picture you see here is of a huge oxygen generation plant that has been loaned by the German government that is being installed at the DRDO facility in Delhi. And just to give you some more details of that, you know, how many oxygen concentrators, oxygen plants, oxygen cylinders, ventilators, remdesivir, not only that, PPE kits, masks, accessories, all those things are being received and they are being delivered and dispatched, and you will see that there is hardly anything that is pending. So I will now request my colleague Mr. Damu Ravi to kindly explain further. Thank you, Aarti ji. Friends, I will just touch upon the Ministry of External Affairs role in how we are tackling the crisis in terms of managing the donations coming from abroad. आप जानते हैं एक साल से हमारा कोविड सेल फंक्शनल है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और इस कोविड सेल कभी भी बंद नहीं हुआ. इट वॉज ऑलवेज फंक्शनल नॉन स्टॉप. और इसी क्राइसिस में, सेकेंड वेव के क्राइसिस पे हम और स्ट्रेंथन किया उसको. वी ब्रॉट इन मोर ऑफिसर्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस टू स्ट्रेंथन द थिंग. इट इज ऑपरेशनल 24/7, एंड देर आर हॉटलाइंस एंड देर आर regular contacts with all the missions abroad and also people abroad who wants to reach out to India. Friends, the deeper understanding is that we are deeply appreciative of the generous offer coming from abroad, both from foreign governments, individuals, private entities, NGOs, who have expressed solidarity and support for India. These donations are being channeled through the missions, for which RTG has already mentioned that we have set up a mechanism, and that is now fully functional and taking up cases and proposals one by one. Internationally, there is a recognition of the fact that this crisis is not that of India alone. It is a global crisis requiring collective actions and collective strategies. We believe that it is a reflection of the expression of solidarity and the goodwill for India that is earned over a period of time. Our missions abroad are handling the donations of various types. One is government to government donations, private individuals who have expressed interest to offer. These are being channeled. Also, donations that are going to the state governments being channeled. So what we have done is we have created the standard operating procedures, keeping in view the blanket clearances that government has brought in, the import relaxation that has been made. All that has captured in the standard operating procedures which have been given to our missions, and they in turn are guiding donors how to go about it so that there is no confusion. These donations can happen seamlessly, so we are able to save time and save lives. That is the spirit behind it. So every shipment that comes is analyzed, is vetted by the mission. There are specifications, there is a priority list. All this is analyzed by the missions. And then that information is passed down to Ministry of External Affairs. And this in turn, we share it with the Ministry of Health and Family Welfare, and then discussed in the cell that has been operating under the Ministry of Health on a daily basis. So we go into details of the specifications, what is our requirement, where it can go, things like that. I also like to mention to you, this is all of Government of India approach, and everyone, every part of the government is involved in this exercise. The flights that come to India, a prior information is already received from the missions to the headquarters in the Ministry of External Affairs. Our senior officers go to the airports to receive the flights along with the resident ambassadors
wherever it is possible, and the information or the publicity about that donation that is received by the government is publicized widely. Thereafter, the distribution and the allocation that has been made by the Minister of Health is also shared with the foreign governments, both by our ambassadors abroad and by the Ministry of External Affairs in Delhi, so that they are fully aware of how their donation is being used by India and how it is reaching out to the people. That is the spirit here. So let me reassure our foreign correspondents that not even one consignment has remained at the airport or the seaport. They have been directly loaded from the airport to the distribution locations. In real time, it goes and gets distributed, given to that location for right use, immediate use. As of date, as Aarti said, most of the consignments have reached the destination. Some, maybe some small percentage, may be in the transit for logistical reasons. But every consignment is tracked and is ensured that it is properly used in those locations. I'd like to leave at this point of time to just give you an overview, but if there are further questions, I'll come back. Thank you. Thank you. Professor Raghavan will now give his comments. Professor Raghavan, you have earlier referred to the third wave. What are its implications? Would you kindly explain, sir? Thank you very much. First of all, we must keep in mind that it may be useful to talk about location, timing, and intensity of infections instead of waves and their number, although the latter is in common usage. If we take strong measures, the third wave may not happen in all the places or indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts, and in the cities everywhere. The guidance about precautions, about surveillance, about containment, and about treatment, and about testing. This insidious asymptomatic transmission can be stopped if we follow the guidance. Now, this sounds difficult, it is difficult, but we can and must do this. Now, there have been peaks and falls in different places in India and all over the world at different times. And it is useful to understand how and why the rises of infection take place, why their strength varies, how they fall, and what can happen subsequently. Very simply put, infections rise when the virus has opportunities to infect humans. When the virus runs out of opportunities, infections fall. The virus runs out of opportunities if the number of people it can potentially infect is lower drastically. This happens because people who have been infected earlier are unlikely to be reinfected for a while. People who are vaccinated are protected. And people who wear masks, are distant from each other, isolated from those who are infectious, they are also protected. Without new opportunities and with the above, also done through containment steps, peaks will fall. However, while the virus runs out of opportunities, it is not eliminated. Therefore, if new opportunities arise, so will cases. Now, new opportunities may arise because the virus may find uninfected people who are previously careful and are now lax. New opportunities for infection can arise if people become complacent or unprotected, assuming the surge is over. The frequency and sizes of such ups and downs must be reduced. This is in our hands. So keep effective distance, ensure adequate ventilation, do not crowd indoors or outdoors, wear masks appropriate to your location. For example, caregivers should protect their wards and themselves extra carefully. Remember also that asymptomatic people can transmit. This is all the more reason to take care. As vaccination rolls out until coverage is maximal, each and every measure we take that can prevent or reduce rises and falls in current locations are important. So please stay safe, maintain effective distance, ensure indoors are well ventilated, and with this we can greatly reduce the frequency and size of infections. Thank you. Dr. V.K. Paulji. Thank you very much. I'd like to focus on two areas.
And let me begin with the narrative that is going in certain circles, which relates to the fungus infection in patients of COVID-19 disease. ये फंगस इन्फेक्शन म्यूकर नाम के फंगस की होती है, और फंगस इन्फेक्शन होती है तो उसको हम म्यूकर माइकोसिस कह देते हैं। माइकोसिस का मतलब फंगस की वजह से जो प्रॉब्लम हो, फंगस फफूंद है जो कि वेट जगह पे घरों में भी लग जाती है फंगस। तो म्यूकर एक फंगस है, ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है लगभग वेट सरफेस होता है वहाँ पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिजीज में यह है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज के मरीजों में होती है। डायबिटीज नहीं है तो बहुत अनकॉमन है कि म्यूकर माइकोसिस हो। सुनने में आया है कि कुछ एरियाज में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो कोविड से ठीक हो गए, कोविड चल रहा था, उनको म्यूकर माइकोसिस हुआ। लेकिन ये भी याद रहे कि ऐसी बहुत बड़ी कोई आउटब्रेक हो रही है ऐसा भी नहीं नजर में है। वॉच कर रहे हैं और अपने तरीके से इसका सर्वेलेंस हम कर रहे हैं, तो रीअश्योर करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तरीके से कोई आउटब्रेक हो गई, ऐसा नहीं है। और प्रिकॉशंस लेंगे तो नहीं होगी, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सो फंगस है, इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज की कंडीशन के साथ है। जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती है, डायबिटीज पूरे शुगर लेवल अच्छी तरह से हाई होते हैं जैसे आपको मालूम है शुगर के, तो अगर वो नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आए, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो म्यूकर अटैक करता है। इसके अलावा अगर ये मरीज डायबिटीज के, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात पहले मैं कर रहा हूँ, फिर कोविड पे आता हूँ। अगर उनको कोई बीमारी हो गई, उनको दवाइयाँ ऐसी मिल रही हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, इम्यूनो सप्रेसिव स्टेरॉइड मिले, उनके और कोई डिसीज अंदर आए, मान लीजिए कैंसर भी हो गया साथ में, तो इम्यून सप्रेशन होता तो इस डिसीज का प्रभाव उस डायबिटीज के पेशेंट में बढ़ जाता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर इन पेशेंट्स में ऐसा एक्सपोजर हो जो वेट सर्फेसिस हैं, उनका एक्सपोजर बढ़ता है, तो ये और भी थोड़ा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये फंगस जो है वो वेट सर्फेसिस पर रहता है। तो तीन फैक्टर्स लेके चलते हैं, डायबिटीज का होना, इम्यूनो सप्रेशन का होना, यही काफी होता है इस बीमारी का प्रभाव आने के लिए। जरूरी नहीं कि कोविड हो, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन मिले, ये याद रहना चाहिए। ये बीमारी इट वेल नोन, डायबिटीज, इम्यूनोसप्रेशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, म्यूकर माइकोसिस कैन हैपन, बट व्हेन इट मूव्स टू द सिचुएशन ऑफ कोविड-19, देन यू मस्ट रिमेंबर देयर आर टू अदर एलिमेंट्स कम इनटू पिक्चर। वन, दैट वी आर यूजिंग ड्रग्स दैट सप्रेस इम्यून सिस्टम, सो वी आर यूजिंग अ क्लास ऑफ ड्रग्स विच इज लाइफ सेविंग, स्टीरॉइड्स बाय द नेम ऑफ डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सोना, ये एक ही रिलेटेड कंपाउंड है। जब ये इस्तेमाल होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है, डायबिटीज वाले का भी कम होगा, और ये फंगस मौका पाके पकड़ती है। इसके अलावा जब इसी कोविड के मरीज को ऑक्सीजन मिलती है तो ह्यूमिडिफायर होता है, उसमें पानी होता है, उसमें कलेक्शन होने से फंगस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन याद रहे कि ये कंडीशन जरूरी नहीं है म्यूकर को आने के लिए। जैसे मैंने शुरू में समझाया कि डायबिटीज है उन पेशेंट्स में आ जाता है, उनमें कोई बीमारी होती है, कमजोरी आती है, दवाइयां मिलती हैं तो आ जाता है, लेकिन जब ये तीसरा भी कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो ऐसे कोविड में, क्योंकि ये होता है तो ये कोविड में उभर के शायद कुछ जगह पे इसका इंसिडेंस आया है। स्टीरॉइड के अलावा हम जो दो दवाइयां या एक अनदर क्लास ऑफ मेडिसिन जिसके दो दवाइयों के नाम आप सुने होंगे, टोसिलिजुमैब और इटोलिजुमैब, इस तरह के जो कंपाउंड हैं, जब ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, भले ही जरूरत के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, तो इन दवाइयों का भी, टोसिलिजुमाब का भी, ओटोलिजुमाब का भी इम्यूनो सप्रेशन, इम्यून सिस्टम को दबाता है जान बचाने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्स की वजह से
मल्टी ऑर्गन फेलियर और जान का खतरा होता है, तो उसके हम बचाने की जब कोशिश करते हैं दवाइयों से, तो हम अपना इम्यून सिस्टम कम कर देते हैं। डायबिटीज पहले है, स्टीरॉयड शायद पहले मिल चुका है, इससे और इम्यून सप्रेशन हो गया, तो फिर म्यूकर माइकोसिस उभर के फिर आता है। तो इन द सेटिंग ऑफ कोविड 19 इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस इन द प्रेजेंस ऑफ द यूजेज ऑफ दीज मेडिसिन एज वेल एज एक्सपोजर टू ह्यूमिड सर्फेसिस द टेंडेंसी टू हैव मोर म्यूकोस इज एक्सप्लेनेबल, हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसी नहीं है कि जरूर होनी चाहिए। क्या हमें करना है? हमें यह करना है कि हमेशा ही जिसको डायबिटीज है उसको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है, हमेशा ही। कोविड की वेट नहीं करनी है, कोविड नहीं भी होगा तो भी जरूरी है कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में हो, तभी सेहत बचेगी, किडनी बचेंगी, हार्ट बचेगा। तो पहला तो ये मुद्दा है कि, और कोविड के परिप्रेक्ष्य में तो इसके ऊपर हमारी ज्यादा नजर होनी चाहिए। दूसरा है कि हम प्रमोट कर रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा कि स्टीरॉयड दिए जाएं, लेकिन स्टीरॉयड फालतू में शुरू में ही नहीं दे देने, सातवें आठवें दिन तक देने हैं, छठे दिन के बाद देने हैं, बहुत इनअप्रोप्रिएट डोज में नहीं देने हैं। जो पीरियड डिफाइन किया जाता है 5, 7, 8, 10 दिन का, उतने तक ही देने चाहिए, आगे तक नहीं देते रहना चाहिए, रैशनल यूज होना चाहिए। स्टीरॉयड जैसी जान बचाने वाली दवाई का रैशनल यूज होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा मिलेगा तो इस सिचुएशन तो है ही, दूसरों को भी इल इफेक्ट होता है। इसी तरह से टोसिलिजुमैब वाली जो दवाई है वो तभी दी जाए जब इसकी जरूरत है, बिल्कुल फालतू नहीं देनी चाहिए, डेंजरस हो सकती है, और भी कई खतरे हैं, उसमें से एक ये खतरा भी है। तो हमने रैशनल यूज ऑफ दीज मेडिसिन करना है। तीसरी चीज कि जब ऑक्सीजन मिले तो जो ह्यूमिडिफायर है उसका पानी साफ हो, पानी बदलता रहे, पानी टपकता ना रहे, इसका हमें ख्याल रखना है। चौथा ख्याल रखना है कि जो मरीज है वो साफ सुथरा हो, उसका हाइजीन हो, हाथ भी साफ हो, बॉडी भी साफ हो, फालतू में वेट नहीं हो, सिक्रीशंस उसके फेस पे नहीं हो, ये चौथी चीज है जिसका कि हमने ख्याल रखना है। पांचवा ख्याल हमने ये करना है कि अगर कोविड के ट्रीटेड पेशेंट को नाक में रुकावट दिखती है, बाद में कोई स्वेलिंग सूजन महसूस हो रही है या मुंह में अल्सर आ रहा है, मुंह में अल्सर पैदा हुआ है, कटा हुआ दिख रहा है, नया कोई चीज आ गया है अंदर मुंह में, तो उसको जल्दी से इन्फॉर्म करना है। और उसके बाद इसका इलाज होता है, वो दवाइयाँ अच्छी तरह से उपलब्ध है, एम्फोटेरिसिन बी नाम की एक दवाई होती है, इंट्रावीनस दी जाती है, इफेक्टिव है। और कभी कभी जो सूजन अंदर बन जाती है नाक में या नाक के और अंदर, उसको निकालने के लिए हम सर्जिकल प्रोसीजर से भी निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि इलाज भी होता है, इलाज टाइम पे शुरू होगा तो अच्छा इलाज होगा। तो हमें इस बीमारी के बारे में हमने उचित समझा कि ये समझाया जाए कैसे ये बच सकते हैं, और मेरी विनती होगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, डॉक्टर्स के साथ, कि जो इन चीज़ों की वजह से ये प्रीडिस्पोज होता है, जहां तक भी हो सके इसे हम बचें। और इस उपलक्ष्य में नेशनल टास्क फोर्स ने और गवर्नमेंट ने टोसिलिजुमैब की डोज को एडजस्ट किया है हमारे नए प्रोटोकॉल में, ताकि इन चीज़ों के खतरे जो हैं वो कम हो पाए, जो हमारी मॉडिफाइड लोअर डोज है उसको लेना चाहिए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं ब्रीफली। कैन आई हैव द स्लाइड प्लीज? आपके सामने स्लाइड। इस मंच से हमने होम केयर के बारे में बहुत चर्चा करी है, बार बार चर्चा करी है, मीडिया के द्वारा हम ये बात घर घर पहुंचाना चाह रहे हैं कि कोविड से अफेक्टेड व्यक्ति की घर में देखभाल ठीक तरह से कैसे की जाए। उसी में आज मैं आपके सामने एक इंफॉर्मेशन प्रस्तुत कर रहा हूँ, इन्फोग्राफिक है ये, ICMR और गवर्नमेंट ने उन्होंने इसको बनाया है, ये वेबसाइट ICMR के वेबसाइट पे, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए हम इसको आज पढ़ेंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे, ताकि ये बात घर घर तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी पहुंचे, और भी तरीकों से पहुंचनी चाहिए लेकिन इस मौके का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में जाएं, ये जो हरा नीला दिखाया दिख रहा है वहां से शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत ये कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जिसमें कि आपको कोविड के बारे में शक होना चाहिए, तो उसके ऊपर पहले हम देखें तो 6 लक्षण है। सबसे पहला लक्षण है कि आजकल के माहौल में किसी को बुखार है तो हो सकता है कि ये कोविड।
दूसरा लक्षण है कि किसी के गले में दर्द हो रही है, सोर थ्रोट जिसको कहते हैं, कोविड हो सकता है। तीसरा ऊपर जाइए, खांसी कफ, कोविड हो सकता है। चौथा सर में दर्द है, या नीचे आइए बॉडी एक, बदन में दर्द है, अकेला भी हो कोविड हो सकता है। और उसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो, साइड में देखेंगे ब्रेथलेसनेस, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, तो ये कोविड हो सकता है। इसके अलावा दो सिम्टम है, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाना और स्वाद की शक्ति खत्म हो जाना, स्वाद ही खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल भी कोविड को चिन्हित करते हैं। इनमें से कुछ भी हो तो आजकल के माहौल में लेके चलिए कि शायद ये कोविड ना हो, और अज्यूम करके चलते हैं कि कोविड है जब तक कि सॉर्ट आउट नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे घर के लोग हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, उनको बता दीजिए और उनको, उनसे आप अलग हो जाइए, घर के अंदर भी अलग हो जाइए, उनको भी ऐसी समस्या ना हो जिस हद तक। वैसे तो कुछ संक्रमण ये सब कुछ होने से पहले ही कई बार हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक अगर हम अपने आप को अलग कर लेंगे तो बचेंगे। तो ये कहा गया है इसमें कि घर के जो मेंबर्स हैं, वो जो एक्सपोज हुए हैं, उनकी हेल्थ को वॉच करिए और उनको एज कॉन्टैक्ट ट्रीट करिए, और उसका जो कार्रवाई होनी है, उनको वॉच करना है, टेस्ट है, वो होना चाहिए। उसके नीचे हम समझा रहे हैं कि आप टेस्ट करवाइए, टेस्ट की उपलब्धता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, टेस्ट करवाइए। और अगर टेस्ट नहीं भी हो रहा है, देर भी हो रही है, तो भी आप अगले जो स्टेप्स हैं वो आपस में लागू करिए। हम अब नहीं मानते कि हर बारी टेस्ट की ही इंतजार करेंगे तभी अगले काम करेंगे, जो करना है वो कर रहा है, जो है वो अगले कॉलम में दिखाया हुआ है। टेस्ट करिए, टेस्ट करवाइए, उसके लिए जाइए, टेस्ट दे दीजिए, टेस्ट को आने में टाइम लगता है, तब तक आप इस व्यक्ति को, अपने आप को हमने ऐसा एज्यूम करना कि कोविड ही है, और वो स्टेप्स लेने हैं जिनको कि अभी मैं आगे समझाऊंगा। दूसरा है कि याद रहे कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर से चेक किया है तो ऑक्सीजन की अगर सैचुरेशन 93 से कम है तो ये तो इमरजेंसी की तरह लेंगे, और उसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, वो फैसला करेंगे कि इसके अलावा आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है या कि आप घर में जा सकते हो, ये एक वार्निंग की तरह है। और इसी तरह से और टेस्ट जो हैं वो आपके डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे इतनी सोच होनी चाहिए कि टेस्ट कराइए, नहीं भी हो रहा है तो भी आगे जो कहा जाएगा उसको अपनाइए, टेस्ट का भी वेट करिए और डॉक्टर को कंसल्ट करने की चेष्टा करेंगे। हमने करना क्या है वो अब मिडिल में है, हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम घर में ही रहेंगे जिसको, जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, जहां पे सरकारों ने उपलब्ध करवाए हैं कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर्स, हम वहां जा सकते हैं। घर में अगर व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम अपने आप को अलग कर रहे हैं, तो हमने हमेशा कहा है कि फिर दूसरी जगह पे आइसोलेट करिए, जो प्रावधान किया गया। घर में है तो आपने घर रहना है, अपने अपनी सफाई रखनी है, दूसरा आप अपने आप को रेस्ट आइसोलेट करेंगे, अलग रखेंगे, और आपकी व्यवस्था अलग होगी तो बाकी लोग बचेंगे। होम केयर में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अलग नहीं करेंगे सारे परिवार को आप रिस्क पे ला रहे हो, इसी पे साथ साथ सब फैमिली मेंबर्स को, चौथा पॉइंट नीचे जो दिख रहा है, मास्क पहनना है, मास्क पहनना है, ये याद दिलाई जा रही है, मास्क तो वैसे भी पहनना है, अब हम पर्टिकुलरली आपको याद दिला रहे हैं। और इसमें आगे जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि जो जो व्यक्ति अफेक्टेड है वो सर्जिकल मास्क, जो ये वाला मास्क होता है ट्रिपल लेयर मास्क, इसको पहने प्रेफरेबली, क्योंकि उसको पास वायरस है, और हो सके तो N95 पहने, जो मैंने ऊपर से पहना हुआ है, ये हम रेकमेंड करते हैं N95 को पहनने से उस व्यक्ति से संक्रमण दूसरों को नहीं होगा। तो ये हमारी होम केयर की गाइडलाइन में हमने इसको चिन्हित किया है, याद दिलाना चाहूंगा। घर की खिड़कियां वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए ताकि हवा का प्रवाह ठीक होता जाए, ये एक हिस्सा हो गया। उसके बाद आप अपना टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, देखते रहेंगे, अगर बुखार है तो नीचे बताया है कि आप पैरासीटामोल ले सकते हो 650 मिलीग्राम चार बारी, ये ओवर द काउंटर मिलती है, और एक और दूसरी दवाई है जिसका नाम है नेपरोक्सन, वो ले सकते हो। इसके साथ साथ हो सके तो ऑक्सीजन की आप सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से देखेंगे, और जब
93 से नीचे आती है या 93 या 93 से नीचे आती है, मतलब 94 से कम आती है, तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा अपनी जनरल हालत को आप वॉच करेंगे, सांस में कोई कठिनाई तो नहीं, चक्कर तो नहीं आ रहा, सांस में कठिनाई नहीं, टेम्परेचर आपका कैसा चला हुआ है और पल्स ऑक्सीमीटर से आपकी सैचुरेशन क्या चली हुई है, ये चीजें आप देखेंगे, स्पेसिफिक चार चीजें, इसको कॉपी करिए आप। और अगर ऐसे सिचुएशन है जिसमें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 या उससे कम है, या सांस बढ़ रहा है, या चक्कर आ रहे हैं, अब आपको मेडिकल एडवाइस लेने का टाइम आ गया है। दीज आर द डेंजर साइंस। सो द डेंजर साइंस आर ब्रेथलेसनेस, डिजीनेस एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ लेस देन 94, दैट इज 93 और लेस। दीज आर द डेंजर साइंस वी वॉन्ट टू एम्फसाइज क्लियरली। अब है इलाज। ये तो डेंजर साइन के समझा दिया, उम्मीद करें कि डेंजर साइन आए ही नहीं, तो इलाज क्या करेंगे? अब घर में आ गए, आपने मास्क लगा लिए, बाकियों से दूर हो गए, खाना आपका जब आ रहा है तो वो एक जना देता है, वो व्यक्ति आपका खाने वाले बर्तन जो है आप ठीक साफ सुथरा रखेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, एक अलग, जितना भी अलग हो सके घर में आप रहेंगे। इलाज के तौर पर क्या है? इलाज के तौर पर हमारी टीम ने 5 एरियाज को चिन्हित किया है। फर्स्टली पानी पीना है, फ्लूइड लेना है, सूप लेंगे, लिक्विड लेंगे, घर का जो भी लिक्विड, लस्सी लेंगे, वो बहुत जरूरी है। टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, डिहाइड्रेशन होने से आपकी तबीयत वैसे ही खराब होगी और कॉम्प्लिकेशन आएंगी, तो अपने आप को हाइड्रेट करना। दूसरा है उल्टा लेटेंगे, प्रोन पोजिशन, घर में अगर आपको लगे कि डिफिकल्टी हो रही है तो आप अपने पेट के बल लेटिए, आपको आराम मिलेगा। इसका वेट ही जरूरी नहीं करना कि जब सैचुरेशन गिरेगी 94 से नीचे तभी ये करना, उससे पहले भी अगर आपको कंफर्ट मिलता है पेट के बल लेटेंगे, कोई नुकसान नहीं है, पेट के बल आप सो सकते हो, कंफर्ट लगे तो अपनाइए। और डेफिनेटली जब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है बीच बीच में कभी लगे, तब तो इसको हमने अपनाना ही है, तो प्रोन पोजिशन है जिसको कि हमने उस पिक्चर से दिखाया है। इसके अलावा बुखार के लिए नीचे आएंगे तो पैरासीटामोल दवाई है, बहुत अच्छी है, सेफ है, इसका मैंने जिक्र पहले ही किया, वो ले सकते हैं। दूसरी दवाई जो आप खुद भी ले सकते हैं, खांसी का सिरप कोई ले सकते हैं, खांसी की दवाइयां मिलती हैं, उनमें से कोई भी खांसी की जो चीज आप पहले इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहें तो आप डॉक्टर साहब से उसका स्पेसिफिक नाम पूछ सकते हैं, लेकिन खांसी का सिरप सब घरों में उपलब्ध भी होता है, आसानी से मिल जाता है, वो ले सकते हैं, आपका खांसी में कंफर्टेबल है। इसके अलावा फिर कहा गया कि मल्टीविटामिन टैबलेट हैं, वो भी ओवर द काउंटर मिलती हैं, जिंक हो जिसमें, विटामिन बी है, सी है, इन चीजों को लेना है, वो दूसरी बात है। और लास्टली स्टीम, हल्की स्टीम को इनहेल करना, गरारे करने नमक वाले गुनगुने पानी के, ये आपको फायदा करेंगे। तो ट्रीटमेंट के तौर पे घर में क्या हो रहा है, हाइड्रेट कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उल्टा लेटेंगे, दो, बुखार के लिए पैरासीटामोल, खांसी के लिए खांसी का सिरप, मल्टीविटामिन, विटामिन सी बी ये सब कॉमन टैबलेट्स जो होती हैं वो लेंगे, और खुराक अच्छी खाएंगे, पूरी तरह से जितना भी आपको महसूस अच्छा है खाने के लिए वो खाइए, ताकि विटामिन की कमी ना हो। स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना और गरारे करने का, ये आपका इलाज हो गया। लास्ट में जो चीजें हम नहीं करेंगे, जो चीजें आप नहीं करोगे, घर में रेमडेसिविर नहीं देंगे, नो प्लेस फॉर रेमडेसिविर थेरेपी एट होम, नो। सेकंडली आप दवाई कोई नेबुलाइजर से नहीं देंगे, नेबुलाइजर क्या होता है, लगा के वो मशीन चलती है और वो अस्थमा में जैसे होता है, वो दवाइयां जो है वो उनका इस्तेमाल आपने घर में नहीं करना, उससे वायरस जगह जगह फैलेगा। ऑक्सीजन भी जब आप लेंगे तो आपने थोड़ा गाइडेंस लेने के साथ करना है, अंडर सुपरविजन होना चाहिए। फिर हमने चिन्हित किया है वो दवाइयां जो कि आप टेली कंसल्टेशन से डॉक्टर साहब से बात करके, उनसे वैसे बात करके आप कर सकते हो, वो हैं कि एक अस्थमा की दवाई है, उसको हम बिडिनिसाइड कहते हैं, ये कॉमन दवाई है, कंटेनर वो उसे लिया जाता है, जो मीटर डोज इनहेलर होता है उसके साथ लिया जाता है, शुरू में नहीं लेना है, 5वें दिन तक भी खांसी है और उसके बाद इसका इस्तेमाल डॉक्टर साहब से पूछ के करेंगे, लेकिन होम केयर में हो सकता है। आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डॉक्टर साहब से पूछ के आप घर में ले सकते हैं।
तीसरा है कि वो दवाइयां जिनका नाम मैंने पहले दूसरे परिपेक्ष में लिया, डेक्सोना या प्रेडनिसोन, वो अगर आपके डॉक्टर साहब कहते हैं आप ले सकते हो, लेकिन हफ्ते तक बीमारी चले, बुखार तब भी नीचे नहीं आया है, तो डॉक्टर साहब आपको कह सकते हैं कि आप घर में यह दवाई ले सकते हो, प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आपने लेनी है, उनकी एडवाइस पे लेनी है, अपने आप नहीं लेनी। अभी हमने आपको समझाया कि इस दवाई का नुकसान भी होता है। और लास्टली इसी तरह से डॉक्टर साहब कहेंगे तो आप एंटीबायोटिक, टॉक्सीसाइक्लिन है या एजिथ्रोमाइसिन है या कोई और है, वो कहेंगे, तो एडवाइस के साथ घर में वो पांच चीजों के अलावा, ये जो विडनेसाइड है, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, डेक्सोना या मिथाइल प्रेडनिसोन है, या एंटीबायोटिक है, ये आप डॉक्टर की सलाह से लेंगे। तो इन चीजों को आज आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये वेबसाइट पे जैसे मैंने कहा अभी अवेलेबल है। हम एक बार फिर अपील करूंगा जो मैंने पिछली बारी कही थी सरकार की तरफ से, कि क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स लोग, भाई बहन घर में हैं, उनको एडवाइस देना है खासकर इन चीज़ों की और बाकियों के लिए भी, तो चाहूँगा कि ऐसी हेल्पलाइंस हों। हमारी ई संजीवनी हेल्पलाइन तो ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, उसको इस्तेमाल करिए, हर स्टेट की कोई ना कोई हेल्पलाइंस हैं, उसको इस्तेमाल करिए, इसी एडवाइस को, इसके अलावा और भी जो आपके सवाल हैं। और इसी तरह से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी है, मेडिकल एसोसिएशन हैं, वो भी मिलके ऐसे 24/7 हेल्पलाइन, टेली कंसल्टेशन कह लीजिए, टेली काउंसलिंग कह लीजिएगा, टेली सपोर्ट कह लीजिएगा, वो प्रदान करें और वो 1-to-1 मदद करें। और उसमें मैं ये भी कहूँगा कि अगर वो फ़ोन कॉल मुझे आज आया है एक किसी व्यक्ति का आपका, तो कल भी मुझे ही आए तो अच्छा होगा कि मैं उसी डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकूं और मेरा फॉलोअप ठीक तरह से हो। ऐसा ना हो कि आज कॉल किसी ने उठाई, कल कोई और उठाए, वो भी ठीक है, लेकिन एक के साथ जुड़ेंगे, एक जना अच्छा फॉलोअप करेगा तो वो होगा, तो उसको प्रचलित करना है और इन्हीं प्रिंसिपल्स के अराउंड होपफुली उनको गाइड करना है सबको। और बहुत हद तक जब हम अच्छी होम आइसोलेशन एंड केयर करते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल होते हैं, कोविड का इलाज ठीक होता है, कोविड से जो दुख मिला वो जल्दी ठीक होता है, और रैशनल यूज़ ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ होता है, टाइमली यूज़ ऑफ फैसिलिटी होता है। सो होम आइसोलेशन एंड केयर सपोर्टेड बाय हेल्थ केयर टीम्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर रिस्पॉन्स टू दिस पेंडेमिक। धन्यवाद। वी विल नाउ टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। ओके, 31। मैम आपसे सवाल है मेरा, मैं परिमल हूँ NDTV से। आप कह रही हैं कि दिल्ली में और ये उत्तर प्रदेश में प्लेटू की तरफ जा रहा है, यानी मामले थोड़े से गिरने शुरू हुए हैं, ये किस आधार पे है मैम? क्योंकि टेस्टिंग तो हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये नतीजा कैसे हम ड्रॉ कर पा रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा विजय राघवन सर से है। सर, तीसरी लहर की बात आपने जो कही कि वो हर जगह नहीं आएगा, जब आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे तो आएगा, दूसरी लहर कब तक रहेगी सर? यदि हम केसेस देखें, जो मैंने प्लेटो के विषय में बोला था, तो यदि हम दिल्ली के केसेस देखें तो 24 अप्रैल को 25,294 केसेस थे और 7 मई को 22,264 केसेस हैं। और हम जब वो 7-day average, बिकॉज मैंने ये बताया कि 7-day average से क्या होता है कि जो डेली अप एंड डाउन विच इज ड्यू टू टेस्टिंग, विच कुड बी ड्यू टू टेस्टिंग, वो जो है वो स्मूदन आउट हो जाता है। तो वो जब हम देखते हैं तो 7-day moving average के हिसाब से वी सी कि एक्चुअली वो जो लाइन है विच इज अ स्मूदर लाइन देन द डेली अप एंड डाउन, दैट इज शोइंग अ प्लेटो, दैट इज इन बोथ इन द केस ऑफ डेली एज वेल एज यूपी। यूपी में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का भी वही है। अब एक समय पर उनके केसेस थे 34,813 और आज 30,000 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्मली सब जगह सब कुछ हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी वर्णन किया था। हो सकता है कुछ जिले ऐसे हों जहां पे केसेस बढ़ रहे हों और कुछ जिले ऐसे हों जहां पे केसेस कम हो रहे हों, तो ये एक एवरेज है स्टेट का।
हमें वॉच रखनी पड़ेगी, वी कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, ये वॉच रखनी पड़ेगी। और नंबर्स क्योंकि इतने लार्ज हैं तो, और डिक्लाइन स्लो है, इसलिए अगर हम अपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं, अगर उन पे एम्फसाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फिर से बढ़ने शुरू हो जाए। पर ये एक इंडिकेटिव चीज है एंड इट ऑल्सो हाइड्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेंड्स विद इन दिस एवरेज। सॉरी, हाँ, आपने पूछा अभी जो चल रही है सर, वो कब नीचे आएगी, उसमें आपको दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक तो नेशनल एवरेजेस क्या हैं, वो कैसे नीचे आ रहे हैं, और हर जगह क्या हो रही है। आपने सुन लिया डॉक्टर पॉल और एडिशनल सेक्रेटरी से कि क्या हो रहा है हर जगह पे। सो टिपिकली व्हाट विल हैपन इज केसेस positives will start declining, cases will start declining, and there will be a lag between that decline and hospitalizations and mortality. So that is already starting to happen in some places where there's high surge. But as was pointed out, it will, there are other places of great concern all over the country, and those have been highlighted. So we must watch out and make sure that we take all steps to reduce that from going up to levels which have to be which are difficult to manage. 104 सर, नितिन हूँ डीडी न्यूज से। कई लोग ये पूछ रहे हैं और उनके डॉक्टर्स से जो है सलाह दे रहे हैं कि जो दो डोज लेने के बाद 10 दिन तक वो ब्लड थिकनर का दवा लें और डी डाइमर टेस्ट कराएं, तो क्या ये रिकमेंडेबल है कि दोनों, अगर वैक्सीन डोज लेने के बाद भी ब्लड में क्लॉटिंग होती है और उसके लिए ये लेने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर वो सलाह कर रहे लोगों को। यहाँ से जवाब देना उचित नहीं होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन है, इसको या तो फिर पूरी बात समझाएंगे कि अगली बार इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। 22 सर, मैं कुमार कुंदन हूँ। पॉल सर, एक बात बताएं कि जो पोस्ट कोविड केसेस हैं उसमें डेथ बहुत ज्यादा अचानक से देखने को मिली है, वो क्या क्या ऐसा है जिसके बाद मतलब पोस्ट कोविड में डेथ देखने को मिल रहा है लोगों में, किस तरह के ये आ रहे हैं केसेस आ रहे हैं? दो तीन एरियाज हैं इसमें। एक तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से इश्यू होता है, इसका मतलब यह है कि एक्यूट कोविड केयर ठीक हो जाए उसके बाद भी हमें चौकन्ने रहना है, और क्योंकि बहुत सारों को कोमोबिडिटीज़ होती हैं और हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से अपाए होते हो तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है, वो बैक्टीरिया जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। डायबिटीज़ के मैंने समझाया, हम इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दे रहे होते हैं, तो एक तो ये इन्फेक्शन वाला एरिया है। दूसरा एरिया है जो कि थ्रोम्बोसिस और जो स्ट्रोक के इशूज़ हैं, वो कोविड में जैसे जहाँ से भी चर्चा करी गई कि कोगुलेशन जो होता है ब्लड का, जो सिस्टम क्लॉटिंग का होता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है और उसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट लेट तक भी चलता है, कई बार तो शुरू में ही पकड़ लेता है, कई बार बाद में पकड़ता है, तो एक ये टेंडेंसी रहती है, उससे भी ये नुकसान होता है। और तीसरा जो जो फेफड़ों में नुकसान हो गया, इतना ज़्यादा निमोनिया हो सकता है कोविड की वजह से, उसके भी बाद के असर रह जाते हैं। तो कह ले किसी को अस्थमा था, ऊपर से ये हो गया, तो फिर वो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो एग्रेवेट हो जाती है। तो हमें कोविड के ठीक होने के बाद भी पोस्ट कोविड केयर में अपने आप को सजग रखना है, अपने आप को वॉच करना है, और अगर कोमोबिडिटीज़ पहले की हैं उनका कंट्रोल, उनकी दवाइयाँ अच्छी तरह से लेना चाहिए। तो दैट शुड बी अ वेरी केयरफुल फेज, वेरी वेल प्रोटेक्टेड फेज। थैंक यू। 51 सर, मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि सर, क्या हवा के अलावा पानी से भी ये वायरस फैलता है? क्योंकि इस तरह से खास तौर से एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में कई बॉडियां यमुना में मिली हैं, उसके बाद वहां बड़ा पैनिक फैल गया है कि पानी से आसपास के गाँव में फैल रहा है, तो इस पर क्या स्थिति है? क्या कोई हमारे पास तथ्य है कि पानी से सीवर से फैलता है? थैंक यू। देखिए,
ऐसे विषय ऐसे जगह जिस तरह के बारे में आपने बताया उस तरह से ट्रांसमिशन की फिक्र नहीं है। प्राइमरी ट्रांसमिशन होती है जब लोग बात करते हैं और आसपास में बहुत पास में हो अगर दो लोग तो आसपास में जब ड्रॉपलेट गिरती है तब वो ड्रॉपलेट मान लीजिए कोई छू लेता है तब पानी से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो फैलती है एरोसॉल में, एयर फ्लो पे डिपेंड करती है। एयर फ्लो अगर इस तरह हो और यहाँ ना हो और वहाँ ना हो थोड़ी दूर तक वो फैलेगी। जिस तरह आपके रसोई में आपका स्मेल आता है कुकिंग का, अगर बंद हो तो स्मेल ज़्यादा होती है, अगर खुला हो और फैल जाती है स्मेल जल्दी ही घट जाती है। उसी तरह वायरस भी अगर आप बंद कमरे में रहें तब वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, अगर खुला हो तो गिर जाती है। खुले जगह में अगर आप आसपास में मिलके एक दुकान में कहीं और में भीड़ में बात करें तब भी वो लोकली फैल होगी। तो इसीलिए इसी यही प्राइमरी तरीका है। अभी दूसरे तरह से जैसे आपने बताया नदियाँ वहाँ से वो घबराने की जरूरत नहीं है जिस तरह आपने बताया। 76 वो इतना डाइल्यूट हो जाता है पानी में कि वो फैलने की डर नहीं है वहां से। शॉर्ट आंसर इज नॉट टू वरी नो कंसर्न। पानी का स्प्रेड इज नॉट अ कंसर्न। ओके सर, मेरा सवाल है डॉक्टर पॉल से कि स्पुतनिक लाइट गो आई है तो उसके लिए इंडिया में क्या स्कोप है, क्या स्पुतनिक लाइट भी यहाँ पर इस्तेमाल होगी और उसके लिए क्या अलग से अप्रूवल लिया जाएगा कि नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्पुतनिक वी पहले से ही चल रही है। स्पुतनिक वैक्सीन जो है स्पुतनिक वी वो दो डोज का वैक्सीन है, 3 हफ्ते के अंतराल पे लिया जाता है। इसकी यूनिक चीज ये है कि जो पहली डोज होती है वो एक अलग एंटीजन है, वो अलग प्रकार का गुण वाला वो वैक्सीन है, और जो 3 हफ्ते पे लिया जाता है वो बदल दूसरा है। तो वो एडिनो वायरस जो है वो 26 है, ये 5 है। तो पहला हम ये देते हैं, ये अनलाइक जो बाकी के वैक्सीन है उसमें जो पहली बारी दे रहे हैं अगली बारी भी वही दवाई होती है, फर्क नहीं होता है। तो अभी जो सामने आया है शोध से वो वहां उस देश से, उन्होंने कहा है कि पहला ही जो डोज है और पहला ही जो चीज दी जाती है वही काफी हद तक काफी है, ये उनका क्लेम है। ये इस क्लेम को हम एग्जामिन करेंगे, उनकी एप्लीकेशन आती है, इसको देखा जाएगा, इसका डेटा देखा जाएगा, इसका इम्यूनोजेनेसिटी देखा जाएगा, सेफ्टी हमें मालूम है, लेकिन बिना दूसरी डोज के कितनी इम्यूनोजेनेसिटी और कितनी प्रोटेक्शन है वो डेटा देखने के बाद में इसको ऑन मेरिट इसका जो रेगुलेटरी प्रोसेस होना चाहिए वो होगा। और आने दीजिए, मोर इन्फॉर्मेशन आने दीजिए, डिपेंड्स ऑन द डेटा एंड बट इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। अगर एक सिंगल डोज से भी प्रोटेक्शन जैसा उन्होंने बताया है इट इज़ वेरी इनकरेजिंग, इट मेक्स अस फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आप ये भी जानते होंगे कि J&J वैक्सीन जो है वो भी एक सिंगल डोज वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। तो सिंगल डोज आने से हमारी स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन तेज हो सकती है, उसी स्टॉक पाइल से दुगने लोगों को हम दे सकेंगे, ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। बट द मेरिट एंड द प्रोसेसिंग ऑफ देयर रिक्वेस्ट एज एंड व्हेन इट कम्स विल बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा एंड इंफॉर्मेशन। 116 सर, मैं अशोक हूँ NI से। मेरा सवाल यह है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जहाँ पर दवाइयों को लेकर उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहला दवाई है टोशी इंजेक्शंस और दूसरा फेविफ्लू। अस्पताल से स्टॉक्स नहीं है और खुले मार्केट में मिल नहीं रहा। दवाइयों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, यहाँ से भी वो इस मंच से भी उसको शेयर किया गया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है जो फेविफ्लू आपने कहा है उसकी कोई बहुत बड़ी स्केरसिटी है अभी ऐसे नज़र में नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि कहीं पे होल्डिंग करा हो ऐसा हो। उसका वो तो इंडिया में प्रोड्यूस होती है दवाई, लेकिन टोसिलुज़ुमाब के बारे में ये कहना चाहिए कि ये दवाई बिल्कुल इम्पोर्टेड है, लिमिटेड सप्लाईज में है,
और इसका यूज भी बहुत लिमिटेड होना चाहिए। टोसिलोजुमाब का यूज एक्सेसिव यूज नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही सिलेक्टेड केसेस में होता है जो कि इंटेंसिव केयर रिसीव कर रहे होते हैं, हर एक सिचुएशन आती है कि तब लगता है कि इस्तेमाल करें। ये दवाई जो है बहुत ही कम, 100 में से अगर आप सोचें तो शायद ये 1% से भी कम में हो जाएगी, उससे भी कम, आधा परसेंट से भी कम में जाएगी शायद। और जैसे मैंने बताया कि ये दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, तो टोसिलोसोमैब की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है पूरी तरह से, इंपोर्ट के लिए भी और डोनेशन के थ्रू भी टोसिलोसोमैब को इंकरेज किया जा रहा है। इसके अलावा इसके हमारी एक रिक्वेस्ट रही है जो स्टेट्स के साथ हमने साझा करी है कि हर स्टेट में एक कोविड मेडिकल बोर्ड हो। उसका मतलब यह है कि क्योंकि ये दवाई लिमिटेड है तो वो स्टेट के पास उपलब्ध होगी और जगह जगह जिले में जैसे, और जिसको ज़रूरत है, जिस नर्सिंग होम में अस्पताल में ज़रूरत है, वो डॉक्टर साहब अपना डेटा लोड करें और एक इंडिपेंडेंट डॉक्टरों का पैनल उसको देख ले डेटा को और लगे कि हाँ इसको देनी चाहिए तो रिलीज कर दिया जाए। ऐसा व्यवस्था हरियाणा ने बहुत अच्छी तरह से करी, मुझे जानकारी है कि पंजाब ने भी बहुत अच्छी तरह से करी है और इसके बहुत रिजल्ट आए। जो अननेसेसरी यूज़ हो रहा था, एक्सेसिव यूज, वो कम हुआ, रैशनल यूज़ प्रमोट हुआ, उस नुकसान ही बचा है, उससे और नुकसान जो हो पाता था फालतू वो बचा है। और रैशनल यूज जब करेंगे तो इतनी कमी भी टोसिलोसुमैब की नहीं है, लेकिन पूरी तरह से कोशिश है कि इसको पूरा करा जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर, वी क्लोज द प्रेस कॉन्फ्रेंस नाउ। थैंक यू विच।